हेलो सर, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है स्वाति खन्ना व्लॉग विदाउट एनी स्पेस। मेरे नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको फिर से एक ऐसी जगह लेकर आई हूँ जो कि एक्चुअली त्योहारों का सीज़न तो स्टार्ट हो चुका है, तो त्योहारों में क्या लगते हैं, मेले लगते हैं। तो फेस्टिवल में तो बहुत जगह मेले लगते हैं, तो मैं अलग अलग जगह आपको घुमाऊँगी अब कहाँ कहाँ मेला लग रहा है, इन्फॉर्मेशन विद टिकट्स क्या है, सब कुछ पता लगने वाला है आपको। तो आज मैं आई हूँ नेताजी सुभाष पैलेस में, जहाँ ये फेस्ट लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है, तीज मेला। तो ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तीज मेला है और ये सिर्फ और सिर्फ 3 डेज़ के लिए है, 29, 30, 31 सिर्फ। और ये फेमस है अपनी राखी स्टॉल्स वगैरह के लिए, झूले के लिए, बच्चों के लिए, मतलब बहुत ही कलरफुल बना हुआ है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि अंदर क्या होने वाला है और व्यू कैसा है और झूले कौन कौन से और खाने के स्टॉल कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा पूरा व्लॉग। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करके चलते हैं अंदर और अपना व्यू देखते हैं, इंजॉय करते हैं ये वाला तीज मेला। तो चलिए। तो हमने एंट्री कर ली है और मैं आपको एंट्री टिकट बता देती हूँ, ओनली 20 रुपीज़ एंट्री टिकट है और ये दिल्ली हार्ट है NSP का। तो यहाँ पर ये पूरा मेला लगा हुआ है, तीज मेला, इसका नाम है तीज मेला 2022। तो मतलब तीज तो आपको पता है यार, मेहंदी का त्यौहार होता है, मतलब यहाँ पे मेहंदी झूले सब मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अंदर कौन कौन से स्टॉल्स हैं यहाँ पर और क्या कैसा व्यू है, क्योंकि व्यू बहुत ही सुंदर है। जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं कितनी प्यारा सा इन्होंने डेकोरेशन कर रखा है, डेकोरेशन तो बहुत ही बड़ा है और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है यहाँ पर। बाकी देखते हैं अंदर कि क्या इन्जॉय कर पाते हैं हम यहाँ पर और कौन कौन से स्टॉल हैं। तो बढ़िया
बिल्कुल लाइव गा रहे हैं, यहाँ पर लाइव सिंगर्स आ रखे हैं, लाइव बिल्कुल प्रोग्राम हो रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि म्यूज़िक से तो मज़ा आ ही जाता है। तो ये मुझे अच्छा लगा और मौसम भी बहुत अच्छा, इवनिंग व्यू बहुत ही अच्छा है यहाँ का। तो ये है पाव भाजी जिसमें पनीर डाला हुआ है, ये था बटर, पनीर के पीसीज हैं। तो आइए टेस्ट करते हैं पाव भाजी भी। बढ़िया, मौसम हो रहा बहुत ही बढ़िया, पीछे है म्यूज़िक, यहाँ पे है खाना, तीन चीज़ें हैं। और पंजाबी म्यूज़िक चल रहा है इस टाइम, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिंगर्स आते हैं यहाँ पर, जिन्हें घूमने का शौक़ है, जिन्हें मेला वगैरह घूमने का बड़ा शौक है, क्रेज़ है। और आजकल तो हर जगह मेले लग रहे हैं यार, आइए यहाँ पर भी इंजॉय कीजिए। और कॉस्ट सिर्फ, एंट्री टिकट सिर्फ 20 रुपीज़ है यार, व्यू भी मिल रहा है पूरा, झूले भी झूलो, वो जो झूला लगा हुआ है, तीज में झूला झूलते हैं, यूजुअली पता ही होगा सबको कि तीज में झूला झूला जाता है, मेहंदी लगाई जाती है, मेहंदी स्टॉल्स भी हैं, झूला भी है, खाना भी है, और विद म्यूजिक। ये वाला व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा, मतलब इन्जॉय किया होगा। और ये बहुत ही सुंदर डेकोरेटेड है, तो ये है एंट्री यहाँ से, और यहीं से आपको टिकट मिल जाएगी, टिकट काउंटर भी बस जस्ट यहीं है, जैसे आप देख रहे हैं ओनली 20 रुपीज़ एंट्री टिकट है। बाकी अंदर जाके आप स्टॉल में से बहुत कुछ लगा हुआ है, ख़रीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, खा सकते हैं। और इवनिंग में यहाँ पर स्पेशल प्रोग्राम होता है पंजाबी, मतलब लाइव सिंगर्स। और ये है मेट्रो स्टेशन के जस्ट यहाँ, ये NSP का मेट्रो स्टेशन है जैसे आप देख ही रहे हैं। तो ये जस्ट मतलब ये दिल्ली हार्ट है NSP वाला। तो यहाँ पे मेला लगा हुआ है, तीज मेला 2022। और यहाँ पर झूले भी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे बच्चों के लिए, आपको झूले झूलने के लिए। और लाइटिंग तो बहुत ही प्यारी है, मतलब व्यू ना बड़ा मज़ेदार वाला है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। और सब्सक्राइब मैं इसलिए करने के लिए कह रही हूँ ताकि आपको पता लगे यार डिफरेंट डिफरेंट जगह पे क्या क्या चल रहा है, खाने का क्या क्या आइटम्स आपको टेस्ट करने के लिए मिलने वाली हो। और ऐसे जो फेस्ट हैं, फूड फेस्ट या फिर फेस्टिवल में जो मेलास लगते हैं, वो मतलब कहाँ कहाँ लगने वाले हैं, उनका टाइमिंग क्या है, उनकी टिकट्स क्या है, इसलिए मैं आपको कहती हूँ मिस मत करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए स्वाति खन्ना ब्लॉग विदाउट एनी स्पेस। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, जो ये टाइमिंग है इस मेले की, वो है सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक। तो आप यहाँ आएँ और इन्जॉय कीजिए। बाय।